नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर। और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंटल मैथ्स क्वेश्चन बैंक क्लास 8। बच्चों, इसमें से कराने का मतलब यही है कि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए, और इस तरीके से अगर आते हैं तो आप बड़े ही ईजी तरीके से उसको सोल्व कर पाएंगे। देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से साइन लगा के रखा है। ए मैन इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। यहाँ पर लिखा है कि अपनी पत्नी से, जो मैन है अपनी पत्नी से 5 ईयर ओल्डर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैन की तो एक तरीके से हमें मालूम हो गई, अगर वाइफ की हमें मालूम हो जाए तो मैन की अपनी ऑटोमेटिक निकल आएगी, क्योंकि 5 ईयर ओल्डर है। जो वाइफ की एज होगी उसमें 5 ईयर हमें ऐड कर देना है। आगे देखें, एंड द वाइफ इज नाउ 3 एज ओल्ड एज देयर डॉटर। ठीक है, अब लिखा है कि अब उसकी वाइफ की जो एज है वो अपनी डॉटर से 3 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, और हु इज 10 ईयर्स ओल्ड, और आगे लिखा है कि हु इज 10 ईयर्स ओल्ड। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, 10 ईयर्स ओल्ड किसकी एज होगी, मैन की भी नहीं होगी ना वाइफ की होगी। मिस जो फादर मदर उनकी तो हो ही नहीं सकती 10 ईयर्स। यहाँ पर 10 ईयर्स जो है ये जरूर डॉटर की ही एज है, क्योंकि 10 ईयर्स का ना तो फादर होता ना मदर होते, बच्चे होते हैं तो, और बच्चे की एज ही ये गिवन है, तो हमें डॉटर की एज को इसको मानकर हमें निकालना होगा। हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। तो हमें बताना है कि मैन की एज क्या थी जब उसके डॉटर पैदा हुई। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ वाइफ की। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे पहले हम, प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब आपको देखनी है, हमें डॉटर की एज हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, ये देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x/3। ठीक है, अब आप कहेंगे ये x/3 क्यों लिखा, अब मैं आपको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए डॉटर की एज है और ये मिसिज की उसकी मिस मदर की एज है। अब ये देखिए, ये 2 है, ये 6 है, तो ये 3 टाइम्स हो गई। ठीक है बच्चों, अगर हमें डॉटर की एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 1 3 3 2 6, तो डॉटर की एज आ जाएगी। तो ठीक, मैंने ये वही लिया है यहाँ पर x/3। ठीक है, इसको 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, अब ये 3 टाइम्स हो गई है और ये डॉटर की एज है, तो हम क्या करें, डॉटर की एज को 3 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों की एज इक्वल आ जाएगी। अब हमें डॉटर की एज से ही लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पर डॉटर की एज आ गई x/3। अब हम लिखते हैं बट गिवन एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, आइए दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। आई तो हमारी ये है, गिवन ये है, x/3 = 10। तो देखिए 3 इधर डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, और x की वैल्यू आ गई 30। तो इसका मतलब क्या, x क्या था, मदर की प्रेजेंट एज थी, वाइफ की प्रेजेंट एज है, तो उसकी प्रेजेंट एज आ गई 30 ईयर्स। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ 30 ईयर्स। ठीक है, अब प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ये मैन मीन्स या हस्बैंड आप लिख सकते हैं, और वो है क्या कि अपनी वाइफ से ना 5 ईयर ओल्डर था, तो हम इसकी एज में 5 ईयर ऐड कर देंगे वाइफ की एज में, तो वो हो जाएगी 35। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखा है देखिए, यहाँ पर जो उसकी एज है डॉटर की वो है 10 ईयर्स। अब इसमें लिखा जिस वक्त वो पैदा हुई थी उस वक्त मैन की एज क्या होगी। अब देखिए, अब वो 10 साल की हो गई है ना, अब हम यहाँ लिखते हैं द एज ऑफ मैन, क्योंकि वो 10 ईयर की हुई, तो 10 ईयर से पहले की निकालनी है, तो बिफोर 10 ईयर्स।
देखिए द एज ऑफ मैन बिफोर 10 इयर्स, तो मैन की एज तो अब तो 35 है ना, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो 10 ईयर पहले की एज आ जाएगी, वो आएगी 25। ठीक है, ये मैन की एज आ गई और ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।